हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाना सीखेंगे लेफ्टओवर रोटी भेल। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये सिर्फ 5 से 10 मिनट में बन जाती है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये रेसिपी ट्राई कर सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही सिंपल सिंपल और टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं लेफ्टओवर रोटी भेल। लेफ्टओवर रोटी भेल बनाने के लिए हमें चाहिए रात की बची हुई 4 रोटी, 1 नींबू, आलू भुजिया, 2 टेबल स्पून हरी धनिया बारीक कटी, 2 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा, टमाटो सॉस, रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला, नमक और काली मिर्च पाउडर। अब सबसे पहले हमें रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, इसलिए एक रोटी लेंगे, इसे कट करेंगे, पहले लंबा लंबा कट करेंगे। अब इसे सारे को एक साथ कर लेंगे। अब सारी रोटी को एक साथ करके छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। इसी तरह से हम बाकी रोटियों को भी काट लेंगे। अब मैंने सारी रोटियों को क्यूब्स में काट लिया है, तो अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लें। अब मैंने रोटी को फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिया है, तो इसमें रोटी डालेंगे। मैं एक बार में आधी रोटियां डाल रही हूँ। और इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब मैंने रोटी को फ्राई कर लिया है, ये हल्के गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं, तो मैंने टिश्यू पेपर निकाल लेंगे। अब मैंने रोटी को टिश्यू पेपर पर निकाल दिया है, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी तरह से हम बाकी रोटी को भी फ्राई कर लेंगे। अब मैंने सारी रोटी को फ्राई करके एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, तब हम इसमें बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले प्याज डालेंगे कटे हुए, हरी धनिया, और इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने प्याज और धनिया को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब 2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 5 टेबल स्पून टमाटो सॉस डालेंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, तब हमारी लेफ्टओवर रोटी भेल तैयार है, तब हम इसे सर्व करेंगे। अब मैंने रोटी की भेल को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है, तब इसके ऊपर हल्का सा नींबू का रस डालेंगे। और थोड़ी सी ऊपर से आलू भुजिया डालेंगे। और इसे सर्व करेंगे। अब हमारी रोटी की भेल तैयार है। जब आप इसे सर्व करें तो उसके पहले नींबू का रस और आलू भुजिया अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपने मेरी वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू।
मेरी और वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दी गई लिंक पर क्लिक करें।